क्वेश्चन लिखने में फिर टाइम वेस्ट होता है ना, इसलिए लेकर आया करो बुक, जब पता है कि एनसीईआरटी में से कर रहे हैं ये वाला पोर्शन। हम आरडी में से करूंगा तो मैं लिखवा ही दूंगा अपने आप। चलिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इन फिगर 6.38 ऑल्टीट्यूड्स फिगर 6.38 कॉमा ऑल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऑल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट कैपिटल पी। Intersect each other at the point. Intersect each other at the point capital P. Full stop. Show that. First, triangle AEP. Triangle AEP is similar to triangle CDP. Second है, triangle ABD is similar to triangle CBE. ठीक है। Third है triangle AEP. Is similar to triangle ADB. और फोर्थ है ट्राइंगल PDC is similar to triangle BEC. Triangle PDC is similar to triangle BEC. ठीक है। और देखिएगा फिगर इसमें क्या दे रखी है, फिगर 6.38 ए बी इधर है सी, यहां से ये परपेंडिकुलर, ये है ई ये परपेंडिकुलर है ए डी, और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वाला पॉइंट है पी। ठीक है, तो ये दे रखा है इसमें फिगर, ये दे रखी है। अब इसके बाद आप ये देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसमें ये जो आपको चार पार्ट्स दे रखे हैं इसमें एक एक करके ही है। सबसे पहले देखिए ट्राइंगल ए ई पी ट्राइंगल सी डी पी के सिमिलर प्रूव करना है, ट्राइंगल ए ई पी और ट्राइंगल सी डी पी ये करना है सिमिलर प्रूव। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में जब ये कह रहे हैं कि ट्राइंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी, तो इसमें क्या होगा, इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल सीडीपी, ये जो दो ट्राइंगल दे रखे हैं इसमें मैं कहूंगा कि एंगल ए ई पी ये वाला, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये वाला जो एंगल है, ये सीधी सीधी बात है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इधर वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। एंगल इसको क्या बोलेंगे, ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। रीजन में लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अब अगर हमारे पास दो एंगल इक्वल हो गए हैं तो हमें तीसरे एंगल को इक्वल प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा बोलेंगे बाई डबल ए सिमिलैरिटी, बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो हमारे दोनों ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये देखिए ट्राइंगल, चलो इसमें तो सीक्वेंस दे ही रखा है ऑलरेडी, लिख दीजिए फिर ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। इसमें तो ऑलरेडी मेरे को सीक्वेंस गिवन है ना, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे ए ई पी सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी डी पी के। बताइए जी यहाँ तक क्लियर, ठीक है। चलिए जी, तो फर्स्ट पार्ट हुआ। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल ए बी ई के सिमिलर प्रूव करना है। ट्राइंगल ए बी डी यानी कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी डी और ये किसके प्रूव करना है, किसके से? क्या ए बी देख रहा हूं, ए बी ई दे रखा है, मैंने गलत लिख दिया कि सी बी ई है, ये सी बी ई है, ये दे रखा है ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। तो सी बी ई ये वाला ट्राइंगल, तो देखते हैं जी सेकेंड पार्ट में, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई तो ये जो ट्राइंगल ए बी डी है तो ए बी डी में ये बी वाला एंगल लाई कर रहा है, तो एंगल ए बी डी और जब मैं सी बी ई की बात करता हूँ तो सी बी ई भी तो यही एंगल है, तो दोनों एंगल तो सेम ही हो गए। भाई देखिए ए बी डी की बात करें तो भी एंगल बी बन रहा है और सी बी ई की बात करें तो भी एंगल बी बन रहा है, तो ये दोनों के दोनों एंगल जो हैं ये तो हमारे कॉमन हो गए। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, ब्रैकेट में लिखिएगा कॉमन एंगल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में एंगल ए बी डी और एंगल सी बी ई ये तो कॉमन एंगल हो गए। उसके बाद में एक एंगल दिखाई दे रहा है 90 डिग्री वाला, तो जैसे ए बी डी है तो इसमें ये 90 डिग्री वाला एंगल है, तो लिखो एंगल ए डी बी ऐसे ही इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा एंगल सी ई बी। डबल ए सिमिलैरिटी बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। ए बी डी सी बी ई के सिमिलर हो गया प्रूव। हाँ, उसके बाद अगला देखेंगे, थर्ड में पूछ रहे हैं कि ए ई पी ट्राइंगल ए ई पी और ट्राइंगल ए डी बी
तो AEP और ADB, अच्छा ये बड़े वाला ADB, एंड ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल AEP और ADB, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल्स की अगर बात करें तो हम ये कहेंगे कि एंगल AEP इज इक्वल टू AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, ये दोनों एंगल इक्वल हैं 90 डिग्री के, इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। उसके बाद में हम ये कहेंगे AEP ट्राइंगल में हम AEP ट्राइंगल में ये वाला एंगल लाई कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे EAP, एंगल EAP, और ADB ट्राइंगल में, ADB ट्राइंगल में उसमें भी एंगल लाई कर रहा है, इसको बोल देंगे एंगल BAD। ये हो गया कॉमन एंगल, तो क्या लिखेंगे भाई, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, ये इस तरह से प्रूव हो गया। ठीक है जी, अब ऐसी फोर्थ देखिए, ट्राइंगल PDC और ट्राइंगल BEC, ट्राइंगल PDC इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC, ये जब दो ट्राइंगल हमको दे रखे हैं PDC और ट्राइंगल BEC, तो इन दोनों में क्या करेंगे, फिर से देखिए ट्राइंगल PDC, तो ट्राइंगल PDC तो ये छोटा सा ट्राइंगल है PDC ये, और BEC कौन सा है, BEC तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जब मैं PDC की बात कर रहा हूँ तो यहाँ एक 90 डिग्री वाला एंगल मिल रहा है, तो लिखेंगे एंगल PDC। और जब BEC की बात करेंगे, BEC की बात करेंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री वाला मिल रहा है, तो लिखेंगे एंगल BEC। एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक तो ये 90 डिग्री वाला एंगल हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप ये देखिएगा कि जब मैं PDC की बात कर रहा हूँ तो इसमें एक ही एंगल लाई कर रहा है ये C, तो इसको बोलेंगे PCD, एंगल PCD। और फिर तीसरा देखेंगे BEC में, तो BEC में तो इसमें भी तो यही एंगल लाई कर रहा है, इसको बोलेंगे BCE, एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल BCE, सेम एंगल है यानी कि कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। तो ये दोनों एंगल्स हमारे आ गए, दो एंगल्स इक्वल आ गए, तो क्या लिखेंगे फिर वही बाई डबल ए, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। बताइए जी सभी बच्चों को क्लियर है, चलिए जी। तो कोई कोई क्वेश्चन होता है भाई थोड़ा सा बड़ा, इसमें चार पार्ट्स दे रखे थे, थोड़ा लेंथी था, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर हमें कोई फिगर नहीं दे रखी है, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ डेटा दे रखा है। हाँ जल्दी जाना, ठीक है पहुँच। नोट करें, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD produced of a parallelogram. AD produced of a parallelogram E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. Parallelogram ABCD and BE intersects CD is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. And BE intersects CD at F. At F. Full stop. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. ABE is similar to triangle CFB. Namaste. बारिश तो नहीं हो रही अभी? दे रखा है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. तो हमने एक parallelogram बना दिया ABCD. A, B, C, D. E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. एंड बी ई इंटरसेक्ट्स, अच्छा तो ए डी को अगर आगे प्रोड्यूस कर दिया जाए, ए डी को अगर ऐसे आगे प्रोड्यूस कर दिया जाए तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है ई, ठीक है, कितनी आगे वो अभी पता नहीं, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन पूरा। तो ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट्स सी डी एट एफ, ठीक है। तो E कोई भी पॉइंट ले लो, तो कोई मतलब वो कंडीशन नहीं दे रखी कि वो बाइसेक्ट कर रहा है या कुछ, तो E हो गया। और ये बोला है इन्होंने BE, B को E से ज्वाइन कर दीजिए, BE इंटरसेक्ट्स CD एट F, BE इंटरसेक्ट CD एट F, शो दैट ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ABE, और ट्राइंगल CFB, ट्राइंगल CFB, ये दोनों के दोनों सिमिलर होंगे, ये प्रूव करना है। तो हम ये कहेंगे सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो ए डी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, इट इंप्लाइज दैट ए डी को ही तो आगे प्रोड्यूस करा है। AE is parallel to BC, तो AE जो है वो BC के parallel हो गया, और ये जो है ये transversal हो गई, तो transversal के इस तरफ वाला angle ये और transversal के इस तरफ वाला angle ये,
तो एंगल ए ई बी, इट इंप्लाइज दैट एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ. एंगल सी बी एफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया. उसके अलावा बताइए, ये जो सी एफ बी है ना, सी एफ बी, इसमें ये वाला एंगल और ये जो ए ई बी है इसमें ये वाला एंगल, ये इक्वल एंगल होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो लिखेंगे एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ. अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. हाँ जी, दो एंगल इक्वल आ गए, बस बहुत है हमारे लिए. तो भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए ई ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ये हमको प्रूव करना था. अच्छा, किन किन बच्चों के पेपर में आ रहा है ये ट्राइंगल्स? सभी के में आ रहा है लगभग, तुम्हारे भी नहीं आ रहा. ठीक है, ठीक है, तो फिर इतना कर लीजिए, आगे कंटिन्यू करेंगे इसको और क्वेश्चंस और ट्राई करना. तुम्हें मुकुंद स्कूल किस किस दिन नहीं जाना है ये बता दो. एग्जाम मैथ्स का कब है? 17 को. गुड इवनिंग. हाँ, चलिए.